Good morning, everyone. So let us start from our next paragraph. So yesterday we read about these a full moon, new moon concept, and something about the stars and their twinkling. So students will be starting from here today, this paragraph. Yesterday we also did an activity of torch to see how after switching on the light everything vanishes. So, bachcho, let's start. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? तो students, हमने कल moon के बारे में पढ़ा, उन stars के बारे में पढ़ा. तो वो जो stars और moon होते हैं, कभी आपने सोचा है, कभी आपको अचंभा होता है कि वो कहाँ चले जाते हैं daytime में? तो students, कल हमने एक activity की थी torch वाली. उसमें भी हम जब लाइट ऑन करते हैं, जब ब्राइट हो जाता है एनवायरनमेंट, तो वो सब कुछ गायब हो जाता है जो हमें एक डार्क रूम में डिपिक्शन दिख रहा होता है, जो भी वॉल पे हमें दिख रहा होता है टाइनी टाइनी ब्राइट डॉट्स, तो वो सब वैनिश हो जाते हैं क्योंकि उनका आसपास का एनवायरनमेंट भी ब्राइट हो जाता है. तो वाइट के अंदर वाइट कलर कैसे दिखेगा, राइट? तो ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ब्राइट में ब्राइट दिखना मुश्किल हो जाता है. So it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. तो ये जो सुबह के time में, day time में जो bright light होती है sun की, वो हमें allow नहीं करती कि हम कोई भी bright objects और देख सकें. So this is the reason why in day time we cannot see the bright objects that we see in the night sky. So students, the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो जो भी sun, moon और जो भी objects, जो भी चीज़ें shine करती हुई दिखती है रात को, वो सब क्या होता है, combine करके हम उनके लिए क्या words use करते हैं? Celestial bodies. Okay students? Some celestial bodies are very big and hot. कुछ जो celestial bodies होती हैं, जो objects, जो भी चीज़ें हमें night sky में दिखती हैं, जिनको हम celestial bodies कहते हैं, कुछ celestial bodies बहुत बड़ी और hot होती हैं. They are made up of gases. तो वो किन चीज़ों की बनी होती हैं? Gases की. They have their own heat and light which they emit in large amounts. तो ये कुछ celestial bodies की बात हो रही है जो big होती हैं, बड़े बड़े होती हैं और hot होती हैं. बहुत ही उनका जो temperature होता है वो बहुत high होता है, गर्म होता है. वो gases की बनी होती हैं और उनके पास अपनी खुद की heat होती है और खुद की light होती है. और वो उसी emit का मतलब क्या होता है, which they emit in large amounts, कि उनके पास जो खुद की हीट और लाइट होती है, खुद की गर्माहट और लाइट होती है, रोशनी, वो emit करते हैं, मतलब आसपास हर जगह देते हैं. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. तो वो कौन सी celestial body हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि बड़ी होती है, गर्म होती है, gases के बने होते हैं, वो उनकी खुद की light और heat होती है और वो ये light और heat हर जगह spread करते हैं. तो कौन सी, क्या कहते हैं इन celestial bodies को, हम किन celestial bodies की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं stars की बात. ये सारी जो qualities होती हैं ये stars के अंदर होती हैं. स्टार्स के पास अपनी खुद की हीट होती हैं, खुद की लाइट होती है, बहुत बड़े होते हैं और बहुत हॉट होते हैं. अब आप ये सोचोगे कि स्टार इतने बड़े होते हैं, हमें तो आसमान में छोटे छोटे स्टार दिखते हैं. चिल्ड्रन, जैसे कई बार हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो छोटी लगती है, पास जाने पर बहुत बड़ी लगती है. तो ऐसे यही कॉन्सेप्ट स्टार्स के पीछे हैं, वो इसलिए छोटे लगते हैं बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा दूर हैं हमसे. एंड वो इतना दूर है कि वो इतने छोटे छोटे लगते हैं, अदरवाइज़ वो इतने ह्यूज हैं कि हमारा जो सन है वो सबसे बड़ा माना जाता है हमारे सोलर सिस्टम में, बॉल ऑफ गैस. तो उससे भी बड़े बड़े स्टार्स हैं और बट वो इतने ज़्यादा दूर हैं कि वो सब हमें छोटे नज़र आते हैं.
और हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा स्टार है? सन, बिकॉज सन के पास खुद की हीट है, खुद की लाइट है, और वही उसी से पूरे हमारे सोलर सिस्टम में एनर्जी जनरेट होती है। सन की वजह से ही अर्थ पे इतनी ज़्यादा लाइट और हीट आ रही है, अदरवाइज लाइफ विल ऑल्सो नॉट बी पॉसिबल। सन की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स और ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो सर्वाइव हो पाता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि प्लांट्स अपना खुद खाना जो बनाते हैं वो सन की मदद से बनाते हैं। सो अगर ये सब नहीं होगा तो सब कुछ बैलेंस ख़राब हो जाएगा। अब जो ये हमारा स्टार है, इसका नाम हमने रखा हुआ है सन, जो हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जितने ये ट्विंकलिंग स्टार्स हैं स्काई के अंदर दिखते हैं रात को, वो सन की तरह ही हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि जो रात में जो वो स्टार्स हैं वो सन की तरह हैं, बट हमें उनकी हीट और लाइट नहीं दिखती और वो बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होगे कि अगर मून के पास खुद की लाइट नहीं होती तो उस पर लाइट क्यों दिखती है, मून कैसे दिखता है, फिर हमें मून चमकता क्यों है। सी स्टूडेंट्स, जो मून होता है वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मून के पास खुद की लाइट और हीट कुछ भी नहीं है। सन से सन जो होता है वो मून पे लाइट डालता है और वही लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे तक पहुंचती है जिससे हमें मून दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ट्यूबलाइट होती है, हम अपने रूम में अगर ट्यूबलाइट जला देते हैं तो लाइट तो ट्यूबलाइट से निकल रही है, बट हमें और भी जो ब्राइट चीज़ें होंगी, वॉल्स होंगी, दीवारें होंगी या कोई भी ब्राइट चीज़ होगी अपने रूम में, वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी बिकॉज जो ट्यूबलाइट है दैट इज़ जनरेटिंग द हीट एंड लाइट। बट हमें और सारी चीज़ें इसलिए दिखती हैं क्योंकि वो जो ट्यूबलाइट लाइट जनरेट कर रही है वो हमें और सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करके दिखती हैं। अगर हम ट्यूबलाइट ऑफ कर देंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो जो हमें चीज़ें दिखती हैं रूम में लाइट ऑन करने के बाद, वो वही लाइट है जो ट्यूबलाइट उन सरफेसेस के ऊपर डाल रही है और वो रिफ्लेक्ट होके हमें दिख रही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स, वी हैव डन दिस। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. तो आपने नोटिस किया होगा कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं जब हमें उनको डिस्टेंस से देखते हैं, बहुत दूर से देखते हैं। एरोप्लेन भी कितना छोटा दिखाई देता है, राइट? जब वो बहुत आसमान में उड़ रहा होता है तो वो बहुत छोटा दिखाई देता है, बट वो इतनी ज़्यादा ग्रेट हाइट पे होता है, इतना दूर होता है, इसलिए वो छोटा दिखाई देता है। अगर आप एयरप्लेन के पास आएंगे तो इट इज़ वेरी ह्यूज। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। और सब, अब यहाँ पर हम कॉन्स्टेलेशंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? जब भी हम नाइट स्काई को देखते हैं तो कई बार कुछ स्टार्स इकट्ठे होकर कुछ पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न मतलब कि अगर उन स्टार्स को हम इमेजिनेशन से जोड़ने की कोशिश करें तो वो कोई डिज़ाइन क्रिएट होता है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशंस। सो एक एग्जांपल कॉन्स्टेलेशन का है उर्सा मेजर, और इसको हम कहते हैं बिग बियर ऑल्सो क्योंकि वो उसी की शेप में दिखाई देता है। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज़ द स्मॉल बियर और सप्तऋषि। तो एक जो है बहुत ही आसानी से पहचाने जाने वाला जो कॉन्स्टेलेशन है, जो पैटर्न है स्टार्स का, वो है सप्तऋषि नाम का स्मॉल बियर, जिसको हम कहते हैं सेवन सेजेस। ओके, ऋषि या सेवन, सप्त का मतलब सेवन और ऋषि का मतलब सेजेस, जो ऋषि मुनि होते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन।
तो ये जो हमारा उर्सा मेजर का जो बड़े वाला कॉन्स्टेलेशन होता है उसी का पार्ट होता है ये सप्तऋषि। मतलब एक बहुत बड़े बहुत सारे डॉट्स हैं, उनसे कोई पैटर्न बन रहा है, उनके अंदर भी कुछ डॉट्स हैं, उनको ज्वाइन करके एक और पैटर्न बन रहा है। तो ये उर्सा मेजर जो बहुत बड़े वाला कॉन्स्टेलेशन बन रहा था उसी का एक दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं सप्तऋषि। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. तो आप किसी से जो भी आपके घर में बड़ा या फैमिली में या पड़ोसी होगा, अभी तो लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, बट आप लोग इस चीज़ को और अच्छी तरह जानने के लिए यू कैन टेक द हेल्प कि रात को आप डिस्कवर करें कि कोई पैटर्न स्टार्स बना रहे हैं कि नहीं, सो दैट यू कैन डिस्कवर कॉन्स्टेलेशंस। So students, that is all we'll be doing today. So what questions you have to do, I'm telling you. You have to write, what do you mean by celestial bodies? What are stars? And what do you mean by constellations? So these three questions you have to do today. Okay, this is your homework or classwork, whatever you can say. And students, please do your work regularly. Okay.